सेक्शन आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं सबकी खास खबरों पर। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने रात्रि में चौपाल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी, साथ ही जल्द उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिलाया। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने मंगलवार को आसीन पंचायत समिति परिसर में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस मौके पर सभी विभाग के आला अधिकारी सहित जयपुर, रायपुर, सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी, हंगामी लाल मेवाड़ा, प्रधान उपकरण अधिकारी कैलाश मीणा, तहसीलदार, विकास अधिकारी अमित कुमार जैन, पंचायत समिति के सहायक अभियंता गोपाल लाल टेलर, नगर पालिका की अध्यक्षा सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। लोगों ने जिला कलेक्टर के सामने लिखित में अपनी समस्याएं रखी और हाथों हाथ मौके पर जिला कलेक्टर ने उनकी समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया। सबसे ज्यादा समस्या नगर पालिका से जुड़ी थी। लोगों ने बताया कि पालिका द्वारा हमारी कोई कार्य पर समय पर नहीं हो रहा। नगर पालिका अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को बताया कि अधिशासी अभियंता समय पर नहीं आता है, जिसके चलते लोगों का कार्य नहीं होता। वहीं नगर पालिका के खिलाफ लोगों ने शिविर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर जिला कलेक्टर ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और बड़े अधिकारी से जांच करवाकर 7 दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पट्टा पालिका द्वारा अभी तक जारी नहीं किया, जिसके लिए जिला कलेक्टर ने पालिका कर्मचारियों को लताड़ लगाई और अतिशीघ्र पट्टा जारी करने के दिशा निर्देश दिए। बरसों से दूल्हे सागर की पाल के पास निवासित गडोलिया लाहौर को भी नियमानुसार पट्टे जारी करने को कहा। जिला कलेक्टर भट्ट ने बोरेला ग्राम पंचायत के लोगों को भी समस्याएं सुनी तथा एक पीड़ित परिवार के एक भूमि विवाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को आसीन थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए कहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भी जिला कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि हमारा आंगनवाड़ी सेंटर किराए के मकान पर चलता है। वीरान पड़े नगर पालिका के सामुदायिक भवनों में संचालित करने का आदेश जारी करने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर ने पालिका प्रशासन को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं भीलवाड़ा में ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टास्क फोर्स में सुमंगल सेवा संस्थान द्वारा संविधान दिवस पर 350 कपड़ों के थैलों का वितरण किया गया। भारतीय संविधान दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण टास्क फोर्स एवं सुमंगल सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ कपड़े के थैलों का निःशुल्क वितरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित टास्क फोर्स एवं सुमंगल सेवा संस्थान सदस्य अमित काबरा ने बताया कि इस अवसर पर मंगलवार प्रातः RC व्यास कॉलोनी स्थित शिवाजी उद्यान में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन रखा गया, जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा आम नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संक्षिप्त जानकारी युक्त प्रीतियां भी वितरित की गईं। तत्पश्चात जिला एवं सेंशन न्यायालय परिसर में आयोजित जागरूकता संगोष्ठी के अंत में सभी सदस्यों द्वारा कपड़ों के थैले का वितरण का निःशुल्क वितरण आयोजित रखा गया। जिला एवं सेंशन न्यायाधीश प्रकाश चंद पगारिया ने टास्क फोर्स द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए देश के सभी नागरिकों द्वारा अपने गांव, शहर और देश में स्वच्छता कायम रखना भी अपना ही एक कर्तव्य बताया, जिसके साथ ही स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, उपभोक्ता मंच अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा, बार अध्यक्ष भोपाल लाल गुर्जर, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरेंद्र कुमार महावर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव चौधरी द्वारा उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, नर्सिंग विद्यार्थी एवं उपस्थित आमजन को कपड़ों के थैलों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया गया। उक्त आयोजन में संस्थान द्वारा लगभग 350 कपड़ों के थैलों का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें टास्क फोर्स सदस्य रामचंद्र मुंडा, दिनेश सैन के साथ ही संस्थान के बंशीलाल कुमावत, शोभिका जगोटिया, पंकज समदानी और अन्य लोग मौजूद रहे। टोंक में नशे में धुत टैंकर चालक ने भेड़ों के झुंड को टैंकर से कुचल दिया, जिसमें 10 भेड़ों की मौके पर ही मौत हुई। पशुपालन कर अपने जीवन का गुजारा कर रहे एक किसान पर दुखों का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब टैंकर का पहिया भेड़ों पर चढ़ गया। उसको नहीं पता था कि आज कुछ ही देर बाद उसके साथ क्या गुजरने वाली है। ग्रामीण पप्पूलाल अवाना ने बताया कि उसके ही गांव के छीतर निवासी हिंगोनिया बांसीपुर चारागाह से भेड़ चढ़ाकर दौसा कोथुन नेशनल हाईवे पार कर अपने गांव हिंगोनिया की तरफ अपने भेड़ों का झुंड लेकर जा रहा था। तभी खुद उनकी तरफ तेज गति में आ रही नशे की धुत पेट्रोल डीजल टैंकर चालक ने झुंड पर चढ़ा दिया, जिसे 10 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4-5 भेड़ गंभीर रूप से घायल हो गई। चालक मौके का फायदा उठाकर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर दत्तवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा चिकित्सकों की टीम बुलाकर मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित चीतर गुर्जर का परिवार पशुपालन व खेती पर आश्रित था। अचानक हुए इस हादसे पर परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तथा परिवार के सभी सदस्य बहुत दुखी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।